एक छोटा सा छोटी सी कहानी सुनाऊंगा गुरुजीएफ की। गुरुजीएफ और ऑस्पेंस की गुरु शिष्य थे। गुरुजीएफ अपने शिष्य के साथ टहलते हुए जा रहा था। गुरुजीएफ कुछ अद्भुत विचित्र गुरु था। बड़े विषय विलक्षण उदाहरणों के माध्यम से अपने शिष्यों को समझाता था। एक बार उसने देखा कि शिष्यों से पूछा, गाय जा रही है और किसान जा रहा है, इसमें बताओ कौन किसको ले जा रहा है, मालिक कौन है? कैसी बात कर रहे हैं आप? मालिक वो है जो गाय है, गाय को पकड़े हुए, गाय की रस्सी को पकड़े हुए किसान। स्वामी कौन है? तो ये भी कोई पूछने की बात है? बोले नहीं, तुम ऐसा करो, तुम्हें कौन 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 ऐसा है जो हिम्मत करके इस गाय की रस्सी छुड़वा ले इससे आदमी से? गाय की रस्सी किसान से छुड़वा ली। बोले शिष्य गया, अब गाय भागी और किसान उसके पीछे भागा, आगे आगे गाय, पीछे पीछे किसान। गुरुजी फंसा, बोले कौन मालिक है बताओ। बोले असली मालिक तो गाय है, उसके पीछे कौन भाग रहा है बताओ। और बार बार वो चिल्लाए जा रहा है, बार बार चिल्लाए, गाय उसका मान ही नहीं रही है, बिल्कुल चुपचाप दौड़ी जा रही है, उसको बंधन मुक्त हो गया, रुकी नहीं रही है। ये किसान उसके पीछे भाग रहा है, कौन भाग रहा है बताओ, कौन भगा रहा है उसके पीछे? गाय तो भाग रही है, मर्जी आई इधर भागी, मर्जी आई उधर गई, किसान जो है उसके पीछे भी भाग रहा है, किसान को दौड़ा रही है। किसान कहाँ मालिक हो, किसान को तो एक गाय भी कहने नहीं मान सकती। दृश्य यूं ही दौड़ाते रहते हैं, दृश्य हमें यूं ही दौड़ाते रहते हैं, इसी का नाम माया है। दृश्य जो दौड़ाते हैं इसी का नाम माया है। भगवान कृष्ण गीता में एक बहुत सुंदर सा श्लोक कहते हैं कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये श्याम गुणमयी माम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुरत्य है, बड़ी कठिन है, दुष्कर है। तीनों गुणों के से युक्त है वो, तीनों गुणों से युक्त है। ही ऐशाम, ही ऐशाम, ही ऐशाम, ये श्याम मम गुणमयी माया दुरत्या। एक दृश्य उभरा, पुराणों में कथाएं मिलती हैं, एक दृश्य उभरा और तपस्वी का वो खींच लिया, मन खींच लिया, मन को आकर्षित कर लिया। युगों से, हजारों साल से, सैकड़ों साल से एक आदमी तपस्या कर रहा था, विश्वामित्र ऐसा कहते हैं, बहुत बहुत वर्षों तक तप किया उन्होंने, ऋषि थे, महर्षि थे। केवल एक अप्सरा के पायल खनकी, मेनका की, मन उछड़ गया। फिर किस में रम गए? दृश्य में। आसपास सुंदर, बहुत बहुत घनघोर जंगल था, उस घनघोर जंगल में न जाने कहाँ से वसंत आ गया। इंद्र ने पूरी व्यवस्था कर दी सारी की सारी, मौसम बदल दिया, आंखें खुल गई, दृश्य दिखा सामने, मन खिंच गया, बंध गया मन, अप्सरा रम गई। दिन गुजर गए, रातें गुजरती गईं और बालक हो गए, बच्चियां हो गईं। कितना समय हुआ है, कई बार कहा कि हम जाएं, फिर बोले अभी समय कितना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सूर्य की किरण आ रही है सामने। बोले हाँ आप सही कह रहे हैं, संध्या करने का मन कर रहा है, संस्कार अंदर के रहते ना, तो संध्या करने का मन कह रहा है। कितना समय हुआ है? तो बोले क्या करेंगे? बोले गायत्री जप करेंगे, बहुत दिनों संध्या नहीं किया, ऐसा लगता है। बोले वो दिन आप भूल गए, आपको 55 साल 5 महीने 5 दिन हो गए, आपने कभी संध्या नहीं की, आप मेरे में रमे रहे पूरी तरह से। 55 साल 5 महीने 5 दिन के बाद यह स्मृति आई विश्वामित्र को कि हमने संध्या नहीं की, क्यों? सूर्य की किरण दिखी उस दिन, निकलती होगी रोज, ऐसा नहीं निकलती होगी, पर दूसरा दृश्य डोमिनेंट था ना, वो दूसरा दृश्य उसके ऊपर हावी हो रहा था। होश आया, नित्य नैमित्तिक कर्म किया, अब उसके बाद उन्होंने होश आया, तो होश आने के बाद वो राग जो है वो समाप्त हो गया। हम रागों के से बंध जाते हैं और घूमते रहते हैं उसके पीछे पीछे, जैसे गाय के पीछे किसान घूम रहा था। राग से बंधना यानी बनते चले जाना किसी भी चीज़ के आकर्षण के प्रति। भगवान कृष्ण ने दो ही बंधन बताए, राग और द्वेष, दो बंधन है। किसी से द्वेष हो जाए आप समझ लीजिए जन्म जन्मांतर, तो उससे आपका कलह चलता रहेगा, अंतर जगत में चलता रहेगा। आप नया जन्म लेंगे तो चित्त में चलता रहेगा, आपका चित्त और उसका चित्त दोनों से।